के लिए मैं लेकर आ गई पति, अब खाइए और बताइए। ब्लॉग जो है नाइट में स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और हमारा अभी हो रहा है डिनर। और मैंने बोला चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे कल भी कंटिन्यू करना था, तो मैंने बोला आज से स्टार्ट करती हूँ। और बस पति का और पीहू का जो है खाना मैंने दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ खाने। उनके लिए पराठा बनाई हूँ और मैं खाती हूँ रोटी, मैं पराठा बहुत अवॉइड करती हूँ। और बस अभी मैं इसके बाद कुछ मीठा भी बनाने वाली हूँ जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो बनाऊंगी। पहले मैंने सोचा था ना, ये सब्जी ले रही के साथ मैंने सोचा था कि मैं इसमें लूंगी तुअर दाल, जो तड़का दाल पड़ा हुआ है तो वो उठा रखा हुआ, तो मैंने सोचा उसे ले लेती हूँ। फिर मैंने बोला सब्जी आज ख़त्म कर लेती हूँ, उसको कल मैं ब्रेकफास्ट में ले लूँगी, क्योंकि मुझे ना अपने बचपन की कुछ चीज़ें याद आ गई। बचपन में जब हम छोटे थे तो मैं नानी के घर जाती थी, तो मेरे छोटे मामा जो थे वो ऐसी दाल, जो तुअर दाल होता है उसमें रोटी डालकर उसमें घी डालकर खाते थे, तो बहुत यम्मी लगता था, मेरा बचपन का फेवरेट खाना था। और अभी भी आज मुझे ना अचानक से वो याद आ गया और मन कर रहा था वो खाने का, बट फिर सब्जी देखकर फिर मैंने बोला चलो वो कल खाऊंगी, मैं रोटी डालूंगी, घी डालूंगी, दाल डालूंगी, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो अभी फिलहाल मैं अभी करती हूँ डिनर, और डिनर के बाद फिर मैं मिलती हूँ। और कुछ पुरानी बातें याद आ गई, तो मैंने बोला चलो आपके साथ शेयर करते हैं अपनी बचपन की कुछ पुरानी बातें। तो डिनर करके फिर मीठा बनाते, खाना तो निपट गया और अब कुछ मीठा बनाना था। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है वरमसिली बोलते हैं ना इसे भी, तो ये मैं बनाने वाली हूँ इसकी मीठी सेवैयाँ पर बिना दूध वाली, घी की, बहुत टेस्टी लगती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो गर्म हो गया घी, मैंने अभी निकाला फ्रिज से, पूरा जम गया था फ्रिज में, तो घी डाल रही, थोड़ा ही सा बनाऊँगी सिर्फ एक एक कटोरी दोनों के लिए, पीहू तो खाती नहीं। फ्रेश मलाई मैं डाल रही हूँ, एक या दो चम्मच डाल दूँगी तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है फ्रेश मलाई डाल देने से। तो ये दो चम्मच मैं फ्रेश मलाई डाल दे रही हूँ, तो बहुत टेस्टी हो जाता है। और कभी आप भी ट्राई करके देखना, ये वाला सूखा जर्दा जैसा हो जाता है, मज़ा आ जाता है खा के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जर्दा जो है रेडी हो गया है और बहुत ही यम्मी लगता है, पूरा घी का फ्लेवर आता है क्योंकि अच्छे से घी डाला है ना इसमें, तो बहुत टेस्टी लगता है। और मलाई भी इसमें, मलाई भी डाल दिया मैंने, तो बहुत टेस्टी हो गया है। कभी आप ट्राई करके देखना फिर बताना कैसा लगा। देखिए चलिए चलते हैं ऊपर, पति को देकर आते हैं और पीछे बर्तन मेरा इंतजार कर रहा है बर्तन धोने के लिए, तो बस ये खिला कर फिर मैं फ्री होकर बर्तन होंगी। तो चले ऊपर, पति के लिए मैं लेकर आ गई पति, अब खाइए और बताइए कैसा बना है। पीहू मैडम हमारी नहीं खाती है, ये मीठा तो कुछ भी नहीं खाती है। बड़े दिनों बाद बनाया मैंने। पीहू चखोगी? पीहू नहीं चखेगी, देखो कैमरा में भी नहीं आ रही है और वो चख भी नहीं रही है। पीहू आना चाहती हो आप सामने? आ गई फाइनली थोड़ा सा चखने के लिए, कैसा लग रहा है आपको बाबू? अच्छा लग रहा है? देखो इसे अच्छा नहीं लगा है इसका। अच्छा ओके, चलो तो पीहू खा रही है और मैं अपना जा रही नीचे लेने। हाँ खाओगी नहीं ना, सिर्फ चखोगी? ओके ओके। सारा काम निपट गया है, किचन अभी जा रही हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। उससे पहले कल है संडे, तो कल संडे को बनना है छोले भटूरे, तो मैं छोले जो है भिगा दे रही हूँ ताकि, पीहू का फेवरेट है और सुबह मुझे जल्दी जल्दी छोले बनाना होगा, तो छोले
छोले मैं इस हिसाब से बनाती हूँ ना कि मेरा ना कल का दिन एक टाइम छोले बनाऊंगी और दोनों टाइम मेरा भटूरे बनेगा। कल मुझे एक टाइम ही मेहनत करना है और दो टाइम भटूरे तलना है। तो बस फटाफट मैं छोले भिगा लेती हूँ और फिर उसके बाद बर्तन धोऊंगी, बर्तन धो के किचन को साफ करूंगी और साफ कर कर फिर मैं कुछ कुछ एडिटिंग वगैरह करना है। तो बस यही सारा काम करना है और अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। छोले भी गए हैं और बस इस वीडियो को अभी एंड करती हूँ। गुड नाइट और कल मॉर्निंग में मिलती हूँ मैं फिर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है, मेरा नहाना हो गया, सारा काम निपट गया और मैंने बोला था कि फ्री होकर फाइनली वीडियो स्टार्ट करूंगी। और अब बस मुझे जाना है, लंच की तैयारी करना है। आज है संडे, तो संडे हैप्पी संडे सबको। और आज संडे स्पेशल बन रहा है छोले भटूरे, जो कि मेरी पीहू का फेवरेट है। तो बस मैं किचन में लगने वाली हूँ, तो मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे डिले हो जाता है, सुबह से इतना ज़्यादा काम रहता है ना, बिल्कुल भी वीडियो स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता। पहले तो मैं सुबह व्लॉगिंग कर लेती थी, बट जब से अभी कुछ दिनों से ऐसा पता नहीं क्यों मेरे से मॉर्निंग में व्लॉगिंग हो ही नहीं रहा है। तो बस इवनिंग में या नाइट में व्लॉग स्टार्ट करूँ मोस्टली। अभी देखिएगा लास्ट प्रीवियस वीडियो आप चेक करिएगा, सारे ऐसे ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो बस अभी सुबह सुबह जो खबरें देखते हैं तो उससे दिमाग ख़राब हो जाता है और सब मूड ऑफ हो जाता है। तो बस मैंने वो सब देखा थोड़ा सा, और ये ब्लैक फंगस वाला जो इशू है ना, वो बहुत ज़्यादा चिंतादायक है। और साथ में थर्ड वेव वाला जो है, उसमें भी मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी मैं सेपरेट अलग से, क्योंकि बच्चों को थर्ड वेव से कैसे बचाएं उसके ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ, मतलब काफ़ी चीज़ें पढ़ रही हूँ, काफ़ी चीज़ें देख रही हूँ। और बच्चों के डाइट में इस समय क्या चीज़ शामिल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ कुछ स्टार्ट कर दी हूँ अपनी पीहू के लिए डाइट में, वो ऐसा फॉलो करना जिससे कि बच्चों को काफ़ी सेफ्टी रहेगा। तो मैं वो चीज़ मैं सोच रही हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, और ताकि उससे आपको भी अवेयरनेस हो कि बच्चों को किस तरीके से हमें अभी हैंडल करना है इस सिचुएशन में, अपने बच्चों को कैसे प्रिकॉशन दिलाना है। तो जल्दी बनाऊंगी ये वीडियो, थोड़ा सा वेट करना होगा। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ किचन में और किचन में चलना शुरू कर दूँ। छोले भटूरे हो गया है रेडी और अब जा रहे हैं खाने के लिए। तो रेडी हो गया, तो सबसे पहले तो आपको इनवाइट कर रहे हैं, बड़े दिनों बाद बनाई हूँ छोले भटूरे, तो आकर चक्कर बताइए कैसा बना। और देखिए मेरी पीहू जो है वो खा रही है, कैसा लग रहा है आपको बताओ। मैं फोर खा रही हूँ। आपको मजा आया? और पीहू का फ्रॉक देखिए, है ना पीहू, देखिए
यू का फेवरेट फ्रॉक। जाओ खाओ। तो चलिए खाकर मिलते हैं। आज का ब्लॉग जो है मैं अब एंड करने वाली हूँ और अभी मैं बना रही थी कुछ शॉर्ट वीडियोस जिसके लिए मैं रेडी हुई थी। ये सूट पहना था मैंने, पंजाबी सूट अपना, और बस छोटे छोटे कुछ 4-5 क्लिप मैंने रेडी किए अपने वीडियो के, और फिर मैंने बोला चलो ब्लॉग भी एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे एडिटिंग करके मंडे को इस ब्लॉग को पोस्ट भी करना है। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। खाना पीना बहुत सारा दिखा दिया, क्या किया हमने संडे, बस यही है। स्पेशल छोले भटूरे जो कि बहुत दिनों बाद बना, और पीहू का फेवरेट है तो, और बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था। मेरे बर्थडे में भी वो बोल रही थी छोले भटूरे बनाओ, बट चिकन बनाया मैंने तो इसीलिए मुझे है ना बहुत दिन से लग रहा था कि जल्दी से मैं उसके पसंद का बना दूँ, और फाइनली आज हमने बनाया छोले भटूरे। अब पीहू का ये है छोले भटूरे, आज फुल डे चलने वाला है और कल भी मे भी हो सकता है कल भी वो डिमांड करेगी। तो छोले मैंने ज़्यादा ही बनाया, अगर कल डिमांड करेगी तो फिर से मैं भटूरे बना दूँगी। तो बस ये था हमारा ऐसा ही दिन, लॉकडाउन वाला दिन चल रहा है, बाहर कुछ दिखा नहीं सकते, जो भी है घर के अंदर है, जो भी कर रहे हैं घर के अंदर कर रहे हैं, तो ब्लॉग बना रहे हैं, जो भी, तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। जो भी है ये हमारा यही सारा रूटीन मिलेगा, जो नॉर्मल खाते पीते उठते बैठते यही सारा। और आने वाले वीडियो में मैं आपको ना अपनी फैमिली के साथ कैसे हम गपशप करते हैं, मेरी मौसी है, मम्मी है, सबको मिलकर, मेरी मामी, सबको हम फैमिली ग्रुप बनाए हुए हैं और कैसे गपशप करते हैं ना, वो भी आपके साथ एक बार मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि उसमें भी आपको बड़ा मज़ा आएगा हम क्या क्या बातें करते हैं। तो जब 4-5 लेडीज जमा हो जाती है ना एक साथ फोन पे तो कैसी बातें होती है, वो वीडियो भी मैं ज़रूर लाऊंगी तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आप उसका वेट करिएगा और जल्दी लाऊंगी वो वीडियो, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को ना यहीं एंड करती हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर बताना, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट्स करके बताना, वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और इस वीडियो को एंड करती हूँ। हैप्पी संडे, आपने कैसे इंजॉय किया अपना संडे घर में लॉकडाउन में तो वो बताना। और बस अभी घर में रहो ना तो अपने आप को है ना हर टाइम मैं ना बिजी रखती हूँ, तो इस तरीके से अभी जो शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ना उससे क्या है माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो सारे टेंशन जो रहते हैं टीवी के न्यूज़ के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने आप को इंगेज कर लीजिए और अपने जो दिन भर के टेंशन है और न्यूज़ के टेंशन है उसको दूर कर सकते हो, ये एक सजेशन दे रही हूँ, बाकी आपके ऊपर है अगर आप करना चाहो तो। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, बार बार बोल रही हूँ और फाइनली एंड कर रही हूँ। ओके बाय, टेक केयर, जल्दी मिलूंगी अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर।